No, 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 no. आगे पूरी पलटन, पूरी पलटन आगे उसको बचाने। जोर जोर फेरकट की तरफ। ओह बॉय, क्या कटिंग है। देखो भैया एक हैवी ड्राइवर अभी अभी फिसल के नीचे गिरी है। ओए हेलो हैवी ड्राइवर, इधर देखो अभी अभी फिसल के नीचे गिरी है। यहाँ से फिसल के नीचे गिरी है इसके साथ। एक वो वहाँ चढ़ी हुई है वो। आगे पूरी पलटन, पूरी पलटन आगे उसको बचाने के लिए। ए मुकुल सिंह ना मारे। जो भी ये नेटवर्क यहाँ आ नहीं रहे हैं, हम कर रहे हैं इंतजार कैमरामैन को कॉल लग जाए और फिर हम नेक्स्ट शूटिंग स्पॉट में जाए। ओ बोने, ओ बोने, तू तो छोटे ही रह गए रे बाबू। ये डिफेंडर आया। ये जॉर्ज एवरेस्ट से पहले की लोकेशन है, बहुत ही गजब है। एक वो फोटो शूट एक और लोगों का चल रहा है यहाँ पे, बहुत लोग आते हैं प्री वेडिंग शूट और ऐसे नॉर्मल फोटो शूट के लिए, इनका भी चल रहा है। सही है, ये भी ठीक है। और भीड़, भीड़ तो बहुत ज़्यादा, लाइन वाली गाड़ी लगी हुई है। ये और हम लड़ रहे हैं, आ जाओ ये। अरे 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 अरे, हाँ क्या हुआ? प्री वेडिंग की शूट के लिए ये करना पड़ता है। थकान होती हुई प्रतीत, जॉर्ज एवरेस्ट के लिए ये रास्ता, रास्ता तो बहुत अच्छा है। कितना 1.8 ना? अराउंड 1.8 किलोमीटर है। हाँ अभी तो और है, अभी तो कहाँ, अभी तो 500 मीटर भी नहीं हुआ होगा। अभी तो हाफ भी नहीं हुआ, 500 मीटर हुआ नहीं। यहाँ थकान दिखते हुए लोग के चेहरे में, बिल्कुल हताश और निराश दिखते हुए लोग कहके एक के चेहरे पे फोकस। सबसे बड़ा बैग उन्हीं ने लिया है। ये भी ठीक है। ये बना रही उत्तराखंड सरकार कैफे वैफे या फिर टूरिज्म के लिए जो भी है, काम हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छी बात है। मैंने जब बालको सिर्फ बादल ही बादल है, बादल नहीं मतलब धुंध है, और तुम्हें जो दिखेगा अपने इलाकों में ये इसे बादल कहते हो तुम लोग, और हम बादलों से भी ऊपर। आज मैं ऊपर, आसमान है नीचे, ये वाला सीन है। है ना गजब, बिहाइंड द सीन। क्या हुआ कलाकारो? ये तो पूरा इतना मोटा पहन के बैठा, आराम से पहले के बिल्कुल ठंडी लग रही। ऐसे ही होता है। माधुरी दीक्षित ने भी वो रम पी के शूटिंग करी थी वहाँ पे, कौन सा गाना था वो, अनिल कपूर के साथ गाना था ना कोई।
ये मत बोलना मैंने अच्छे अच्छे लोकेशंस नहीं दिखाई। स्टार्ट। थ्री टू वन स्टार्ट। क्या डालना आ गया होगा? तो जब आप कटाना कैप्चर वाला आए नहीं घंटे तक। पैकअप हो चुका है कैमरामैन के साथ और शायद दिख भी नहीं रहा होगा आप लोग को, मैं फ्लैश चलाता हूँ, अब भी नहीं दिखेगा। खैर बहुत ज़्यादा पैसे आ जाएंगे तो फिर खरीद लेंगे हम भी कुछ अच्छा कैमरा। अभी कुछ नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, सस्ते यूट्यूबर है भले हम, कोई बात नहीं। ये पहुँच गया हम आज के दिन के फर्स्ट लोकेशन में, यहाँ पे सनराइज के साथ शूटिंग होनी है। ये एक रिजॉर्ट है यहाँ पे, सही बताओ तो नाम तो पता नहीं मुझे। ये हर्ट्स हैं, मतलब समर पार्टी पूल पार्टी करने के लिए सही जगह है ये। उस साइड नदी है जो मैंने पहले भी दिखाई आपको वीडियो में, और यहाँ पे हो गए कलाकार तैयार। फिर जाएंगे हम शूट में, सनराइज होने ही वाला है और आगे एक और जगह है वहाँ से मेरे ख्याल से थोड़ा और ओपन व्यू मिल जाएगा कैमरामैन को। लोकेशन सही है, अच्छी है, सब सही है। तो देखो भैया साफ सीधी बात है, ये फोटोशूट दिखने में तो अच्छे लगते हैं पर इनके पीछे का जो बिहाइंड द सीन है ना बहुत ख़तरनाक है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इधर जाओ उधर जाओ, कैमरामैन तो लगे पड़े अपने अलग उसमें, कैमरामैन तो लगे पड़े अपने काम में, कैमरा सेट एंगल व्यूज़, हम लगे पड़े अपने काम में, चेहरा सही आए कपड़े सही आए है ना, जगह मिल जाए कपड़े तो वो करने के लिए रेडी होने के लिए, गाउन गंदा ना हो, कुछ कपड़े गंदे ना हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड ठीक है जैसा भी है। अभी कर रहे हैं हम, मेहनत लग रही है और देखो कैसा होता शूट। बाकी ठंड का गए तो सुबह सुबह यहाँ पर ठंड हो ही रही है, बहुत हवा चल रही है, जैसे कि देखो आप मैंने भी आज जैसे कुछ जैकेट तो है नहीं क्योंकि लाया ही नहीं था जैकेट में, और आज भी मुझे लगा शायद इतना ठंडा नहीं होगा क्योंकि वहाँ से देहरादून से जा से आता मेरे ख्याल से 6 या 7 किलोमीटर था, पर फिर भी चलो आ गए हम, इतनी ठंडी है नहीं, धीरे धीरे धूप आ निकली जाएगी, गर्मी हो ही जाएगी, ऐसा कोई ठंड का मौसम है नहीं। मेरे ख्याल से अक्टूबर चल रहा है, चल ही रहा है ख्याल से क्या। अब देखते हैं पानी की आवाज़ आ रही होगी आपको बहते हुए पानी की, ये हैं बॉय। अब चलते हैं नेक्स्ट शूट में, वहाँ की कोई लोकेशन दिखाऊंगा आपको मैं। यहाँ बना रहे उस्ताद जी चाय अदरक वाली। अरे 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 भैया 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 कहाँ से अच्छा पाला पड़ा है, पाला रात को इसी का पानी गिर रहा है। ये आ गई चाय, अब पियेंगे चाय भाई, 6 चाय अदरक वाली चाय आ गई अदरक वाली। और पहाड़ का कैसा है ना गुरु, बिना चाय के मज़ा ही नहीं आता, और पहाड़ में कितनी भी चाय आ जाए कितनी बार की तो मन ही नहीं कर पाओगे, ठंड ऐसी उसमें मज़ा 2 गुना बढ़ जाता है चाय का। घर में बैठे बैठे चाय का उतना मज़ा नहीं है, पर ऐसे पहाड़ घूमने आओ कुछ करने आओ और चाय पियो मज़ा हो जाता है डबल ट्रिपल, मना नहीं होती चाय। वैसे अभी हम थोड़ा वैसे हैं कि चल रहे हैं घूम रहे हैं कहीं ना कहीं बैठे नहीं है, वरना चाय 3-4 हो ही जाती है ऐसे ठंड में, ऐसे बाहर ऐसे इलाके में पीछे देख रहे होगे उड़ता हुआ और देख रहे होगे हवा कितनी तेज चल रही है और ठंडी हवा क्योंकि बहता पानी है।
दिन में हो जाएगी गर्मी अलग बात है, तो सुबह और रात को होती ठंडी। बाकी अभी एक दूसरी लोकेशन में जा रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा ओपन एरिया आएगा, वहाँ पे देखते जाके, वहाँ भी चाय मिलेगी तो वहाँ भी पियेंगे। हम पहाड़ियों का ऐसे ही है, ब्लड टेस्ट कराओगे तो चाय निकलेगा, चाय। ये रही दूसरी लोकेशन, और शायद एक वहाँ एक लोकेशन वहाँ है, थोड़ा आगे खड़े हैं, वहाँ से भी दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे हम रुके हुए हैं, गिरी गाड़ी। पानी की आवाज़ आ रही है आप लोग को? माइक वाइक है नहीं वैसे मेरे पास अच्छा, अभी मैं ऐसे ही मैं फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। गोप्रो होता ना पानी के अंदर डुबा के ऐसे बनाता वीडियो, पर क्या करें नहीं है, इधर ऐसे अंदर जाती है पानी के अंदर। वो पहले लोकेशन का पहला शूट स्टार्ट हो चुका है, एक्ट्रेस तैयार, कैमरामैन रेडी, शूट स्टार्ट। हो गया चालू, अभी उड़ने गया। गजब, कलाकार, ड्रोन, फोटोग्राफर, जैसे फिल्मों में होता है, हो रहा है रूबरू। आई आई आई, आवाज मेरी कम आ रही होगी, पानी की आवाज ज्यादा है, मैं थोड़ा तेज बोल देता हूँ। वहाँ चल रहा है शूट कलाकारों का, और भी है, और यहाँ, और यहाँ हमारा अलग चल रहा है, पानी ठंडा काम कर देता है। हम मिलते हैं दूसरे लोकेशन में, यहाँ पर हम हो गए थक थके हुए, हमें बैठे बैठे अपने फोटो खिंचाने में शुरू कर रहे हैं, चलो मिलते हैं। न जाने कौन कौन से पोज हैं, कितने सारे पोज हैं। अब इसके बाद दो लोकेशन में और जाना है, दो ड्रेस कोड्स और हैं, यहीं पे तो टाइम लग गया है। कलाकारों को देखो, थक तो ये भी गए हैं, तो कहीं ना कहीं मज़ा भी आ रहा होगा इनको, इतनी सारी फ़ोटो खींचने को मिल नहीं रही है। एक तो ना यार, मैंने वीडियो बनाते बनाते गौर करा, मैं फ्रंट वीडियो बना रहा था, मेरा ना कैमरे में ध्यान ही नहीं जा रहा है, मेरी आंखें कभी इधर कभी उधर हो रही है। फर्स्ट टाइम मैं ऐसे बना रहा हूँ, तो इसलिए आंखें इधर उधर होती रहेंगी, मैं सोच रहा मैं कहीं वहाँ देख रहा हूँ यहाँ देख रहा हूँ, वो पता ही नहीं चल रहा, मैं एक्चुअल में स्क्रीन में अपने आप को देख रहा हूँ, तो ये वाली शायद अच्छी बन रही होगी। यहाँ पर तो पूरा कंटिन्यूस कैमरे को ही देख रहा हूँ। बाकी लोकेशन यार बहुत अच्छी है एकदम, इस जगह को कहते हैं माल देवता, और आगे भी वहाँ देखोगे लोकेशन तो बहुत अच्छी है वहाँ आगे तक भी, और वो पीछे भी बहुत अच्छी जगह है। पानी एकदम साफ़ है, मतलब बहता पानी वैसे भी बहुत साफ़ होता है, बट कहीं कहीं थोड़ा सा कुछ होता है, जैसे ये वाला पानी देखोगे आप, थोड़ा सा वैसा है, मतलब यहाँ पे आपको टैटपूल ये सब मिल जाएंगे, और थोड़ा सा वैसा है, इस पर काई यही लगी पत्थरों में, बट ये वाला पानी बहुत साफ़ है, बहुत ज़्यादा साफ़, और ज़्यादा तेज़ भी बह रहा है, इसलिए साफ़ है, कारण यही है। बाकी नेक्स्ट लोकेशन में जाते हैं, क्या है कैसा है वो तो मैं आपको दिखाई दूंगा, है ना। और धूप यहाँ से आ रही है, और यहाँ से एकदम चेहरा चमक रहा है, ये ठीक है। तो या वन प्लस हो, आईफोन हो, कोई भी फ़ोन हो, धूप जब पड़ती है ना फेस पे या धूप कहीं पे पड़ती है, तो वीडियो या फोटो बहुत अच्छी आती है। अरे तो खैर ये रूल ही है कि जहाँ लाइट अच्छी होंगी या सनलाइट सबसे बेस्ट लाइट होती है, वैसे जहाँ भी लाइट अच्छी होगी वहाँ फोटो अच्छी आएगी आएगी। बाय।